तो हेलो दोस्तों, BSTC सेकेंड काउंसलिंग के रिजल्ट का एक बड़ा सा अपडेट निकल कर आया है, वो मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बस आपको वीडियो एंड तक देखनी है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। BSTC से जुड़े एक एक खबर के लिए पल पल की खबर इस चैनल पर आपको मिलेंगी, सबसे पहले देखने को मिल जाती हैं। तो बस मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बस आपको वीडियो एंड तक देखना है। तो अब चलते हैं अपडेट की ओर। पहले मैं आपको बता देता हूँ, BSTC जो हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, अभ्यर्थियों के साथ धोखा कर रहा है। अब देखो, मैंने उनसे बात भी की, अधिकारी से, दो तीन अधिकारी से बात की, वो हमारे साथ बेइज्जती से पेश आ रहे हैं। अब कैसे पेश आ रहे हैं वो मुझे बता रहे हैं कि जो भी जानकारी होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट, हमारे पास के कोई जानकारी नहीं है, वो ऐसा बोल रहे हैं। अब अधिकारी जो हैं अभी पूरी तरह से, मतलब उनको भी पता नहीं है, वह भी कुछ इसी कार्य में जो है नहीं लगे। यहाँ पर देखो, इस पर बता दिया गया है सिर्फ कि द्वितीय शरण, मतलब द्वितीय काउंसलिंग का जो आवंटन है वो अति शीघ्र घोषित किया जाएगा, ये आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर वो चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अति शीघ्र घोषित नहीं किया जाएगा BSTC सेकंड काउंसलिंग का रिजल्ट, क्योंकि अभी भी जो है कार्य बहुत बाकी है। ठीक है, तो कार्य को जो है मतलब इतना मतलब बाकी है कि अभी मतलब मान लो आप 5-6 दिन तक जो है वो कार्य चलेगा। तो मतलब रिजल्ट कब आएगा इसका मैं परिणाम आपको मैं एकदम कंप्लीटली एकदम आपको पूरा 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि रिजल्ट है वो इसी दिन आएगा। कब आएगा इस वीडियो में आपको अपडेट देखना है। बस आपको वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ये अपडेट मैंने, ये पिक्चर है आपको मैंने पहले भी बता दी कि DLED की 3000 सीटों की दूसरी संसूची अभी भी वेटिंग में। 3000 सीटों पर ये परिणाम आएगा, लेकिन माना जा रहा है कि 3500 सीटों पर आएगा। अब किन किन का सिलेक्शन होगा ये मैं आपको खुद बताऊंगा कि किन किन को ये काउंसलिंग में आपको सीट आवंटित होगी, किन किन की होगी। तो मैं आपको कल यानी आपको 11 तारीख 11 सितंबर को मैं खुद आपको बताऊंगा, रिजल्ट आने से पहले मैं खुद बताऊंगा आपका परिणाम। तो कल आपको ये वीडियो देखना, कल का 4 या 3 बजे का वीडियो देखना आप कभी न भूलेगा, क्योंकि ये जो वीडियो आपके लिए जो बहुत खास बनने वाली है, उसमें आपको इस वीडियो के कमेंट में अपनी कैटेगरी, अपना नाम और अपने जो भी अपने मार्क्स आए हैं और संस्कृत थी या जनरल थी, वो भी आपको पूरी डिटेल से मुझे कमेंट करना है। मैं पूरे 100 लड़कों का मैं आपको पूरा सिलेक्शन बताऊंगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा एकदम रियली बताऊंगा, और वही जेन्युइन रिजल्ट होगा और वही जेन्युइन रिजल्ट आपका काउंसलिंग के रिजल्ट में आएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ कसम से। तो कल जो है वीडियो आ जाएगी, तो बस आपको इसी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जो लेटेस्ट वीडियो के अपडेट कल जो है आपको मिल जाए। अब DLED की 3000 सीटों पर दूसरी सीट अब देखो वेटिंग में चल रही है। मैं कह रहा हूँ BSTC सेकेंड काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, ये मैं कह रहा हूँ ये आएगा 16 सितंबर के बाद। ठीक है, 16 सितंबर के बाद या 16 सितंबर के पहले आ सकता है, लेकिन इन दिनों में नहीं आ सकता। 14 सितंबर से 16 सितंबर के बीच आ सकता है, लेकिन यह रिजल्ट थोड़ा वेटिंग में है, अभी भी 6 दिन का कार्यभार जो है अभी पूरा नहीं हुआ है। मैंने 2 दिन से बात की तो वो कह रहे हैं अभी हमें कुछ मालूम नहीं है। एक ने तो कह दिया, एक तो अच्छा होगा वो आदमी अधिकारी अच्छा था, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो आप निश्चित रहिए, अभी कोई भी सूचना हमारे पास भी नहीं है, अब हम मेहनत मतलब पूरी तैयारी मतलब कार्य कर रहे हैं, तो रिजल्ट हम 16 सितंबर तक दे सकते हैं, उन्होंने बस ये बताया। तो मैं आपका कल रिजल्ट बताऊँगा, एकदम जेन्युइन रिजल्ट बताऊँगा पूरी तरीके से, और इसमें कोई कट ऑफ नहीं रहने वाली है, इसमें से मार्क्स वाइज जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो बस आपको कमेंट जरूर कीजिएगा, तो आप जितने सारे जितने कमेंट करें मैं सबका मैं बता दूंगा, चाहे 100-200 कमेंट कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा कल की वीडियो में। लाइव नहीं वीडियो बनेगी, लाइव में नहीं आ सकता, ठीक है, कल के वीडियो में। तो यदि आपको जानकारी चले वीडियो को लाइक करना है, और यदि आपके मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में यदि कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप इस एड्स वीडियो को देख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, यदि आपके किसी भी मैथ्स एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के क्वेश्चंस में है डाउट, तो आपको इसके डाउटेड के व्हाट्सएप नंबर पर जाना है, और यहाँ पर आपको किसी भी क्वेश्चंस की एक फ़ोटो आपको यहाँ पर लेनी है, और यहाँ पर आप जिसे क्लिक करना है, जैसे मैं कोई भी फ़ोटो ले लेता हूँ, ये जो मैंने फ़ोटो ले ली, और आपको इसका कैमरा फ़ोटो निकाल के आपको सेंड कर लेना है, आपको तुरंत ही इसका जो आंसर है आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन भेज दिया, तो यहाँ पर कुछ ही 10 सेकेंड में जो है आपका आंसर आपके पास होगा, चाहे मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री को, इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर
यहाँ पर विभिन्न इसका जो आंसर है मुझे मिल गया है। तो यदि आपको ऐसी एप्लीकेशन ये डाउटनेट के व्हाट्सएप नंबर अच्छे लगे तो बस आपको ये यूज़ ज़रूर कीजिए मैथ्स के क्वेश्चंस या फिजिक्स या केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में। और इसके ऐप के माध्यम से भी आप फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का आंसर आप ढूंढ सकते हैं और पा सकते हैं। बहुत अच्छे वर्णित आंसर यहाँ पर मिलेंगे आपको, बहुत अच्छा। ये पूरा जो ऐप है इसका जिसका नाम है डाउटनट ऐप, इसकी पूरी जानकारी की लिंक टोटल मुझे जो जानकारी आपके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। जो डाउटनट के व्हाट्सअप नंबर आपको टोटल जो जानकारी है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ पर आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चन जो हेल्प कर सकते हैं और जेईई मेंस की भी तैयारी कर रही है तो आप इस डाउटनट ऐप को जरूर डाउनलोड करें। और टोटल आपको जो आईआईटी की जो मैथ्स एंड फिजिक्स का एप्लीकेशन है यहाँ से आप जो है पिकअप कर सकते हैं। तो बस ये जानकारी आपको ये जरूर डाउनलोड करना चाहिए।